हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं विंटर स्पेशल मूंगलेट। बनाने में बहुत ही आसान है और आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मूंगलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंगलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक कटोरी मूंग की दाल, धुली हुई दाल है, और साथ ही हमने लिए दो चम्मच उड़द की दाल, ये भी हमने धुली हुई दाल ली है। दोनों को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। दोनों दालों को हमने अच्छी तरह से धो करके 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए, बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी हैं। अब हम दाल का पानी निकाल देंगे और ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। दाल को हमने जार में डाल लिया है और इसमें अब थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच जितना हमें पानी डालना है। और दाल को हमें एकदम बारीक पीस लेना है। देखिए, दाल को हमने एकदम महीन पीस लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, लगभग 2 पिंच जितनी हम इसमें हींग भी डाल देंगे। हींग स्ट्रांग है इसलिए मैंने थोड़ी सी ही डाली है। अब हमें दाल को अच्छी तरह से फेंट लेना है, लगभग 5 से 7 मिनट हमें दाल को फेंटना है, क्योंकि इससे मूंगलेट बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनता है। अगर आपके पास में विस्क नहीं है तो आप फोक से भी इसको फेंट सकते हैं। दाल को फेंटते हुए लगभग हमें 5 मिनट के आसपास हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ फूड कलर क्यों डाला है, क्योंकि दोस्तों मूंगलेट का जो कलर है वो फूड कलर डालने से ही आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और अब हमारी दाल फिट के एकदम रेडी हो चुकी है। आइए अब हम मूंगलेट बनाने के लिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें थोड़ी दाल निकाल लेंगे। अब दाल में हम डालेंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया। जो सब्जियां आपको पसंद है वो आप सब्जियां यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। थोड़े से मैं डाल रही हूँ कटे हुए प्याज, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप प्याज पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च कट करके रखी है, मैंने यहाँ पे थोड़ी शिमला मिर्च भी डाल दी है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक। सब्जियां डालने के बाद अब हम डाल देंगे यहाँ पे लगभग 1 से 2 पिंच के आसपास मीठा सोडा। और सोडा हमें सबसे लास्ट में ही डालना है, दाल में पहले नहीं डालना है। अब इसको वापस से 1 मिनट के लिए फेंट लेंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है और मूंगलेट के लिए हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। आइए मूंगलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंगलेट बनाने के लिए हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब हमने लिया है एक पैन और पैन में डाल देंगे हम लगभग 1 चम्मच के आसपास बटर। आप घी या ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। देखिए बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, यानी कि हमारा पैन जो है वो गर्म हो चुका है। अब हमने मूंगलेट के लिए जो दाल तैयार की है उसको हम पैन में डाल देंगे। दाल को हमने पैन में डाल दी है। अब हम डाल देंगे ऊपर से कटी हुई शिमला मिर्च, हमने इस तरह से लंबी लंबी कट कर ली है। मैंने यहाँ पे बीटरूट भी लंबा लंबा पतला पतला कट करके रखा है, इसको भी शिमला मिर्च के साथ में मूंगलेट पर डाल दिया है। साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम मीडियम लो फ्लेम पर मूंगलेट को तैयार होने देंगे। देखिए एक तरफ से हमारा मूंगलेट सिक करके तैयार हो चुका है। इसको हम इस तरह से आहिस्ता से चेक कर लेंगे कि चिपका हुआ तो नहीं है। अब आहिस्ता से साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया और मजेदार लग रहा है ना। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम इसको धीमी आंच पे सिकने देंगे। हमारा मूंगलेट कितना टेस्टी और करारा बनके तैयार हुआ है मैं आपको बताती हूँ। देखिए आवाज सुन के देखिए आप, बना है ना मजेदार। अब इसकी दूसरी तरफ से भी हम साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना शानदार मूंगलेट बनके तैयार हुआ है। अब हम इसको इसी स्टेज पर इस तरह से कट लगा देंगे। और इसको धीमी आंच पे 5 मिनट और सिकने देंगे ताकि थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाए। कट लगाने के बाद हम बीच में 1 चम्मच जितना बटर और डाल देंगे और ये यहीं पे इसी तरह से मेल्ट हो जाएगा। बटर के साथ मूंगलेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको बटर में बनाया है।
ऑयल या घी में भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा मूंगलेट बनके तैयार हुआ है, आइए सर्व कर देते हैं। गर्मा गर्म हमारा मूंगलेट बिल्कुल रेडी है, मैंने सर्व भी कर दिया है। आप इसको मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ में एंजॉय करें, रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।